हम इस वीडियो में जानेंगे कौन है भूमिया और इनका जन्म, शिक्षा, रानियां, योजना, प्रतिज्ञा, चमत्कार, आक्रमण आदियों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि भूमिया महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। रूड़ नागौर जिले में स्थित रूड़ गांव, जिसका प्राचीन काल में नाम तावावंती था और बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रख दिया गया। कोयलापाटन के राजा अनंतराज जी के घर भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ था। क्रम संबत 1271 में सोमवार के दिन भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ था। इनकी माता सोलंकी रानी थी। जब भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ तब महल के अंदर ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी को बुलाकर पूछा गया कि बताइए इस बच्चे का इतिहास कैसा रहेगा। तब उन्होंने कहा कि यह बड़ा होकर बच्चा एक सूर्य योद्धा बनेगा और इसका नाम भूमिया होगा। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली होगी, लोग इनकी पूजा करेंगे। भूमिया महाराज जी का बचपन का नाम सियणदेव सांकला था। दूसरा प्रश्न उठता है भूमिया महाराज की शिक्षा। भूमिया महाराज जी बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में बहुत ही रुचि रखते थे। उन्होंने बचपन में ही शस्त्र विद्या का अध्ययन कर लिया था। वह एक बार सियणदेव अपने राज बैठे थे, तब उन्होंने अपने मंत्रियों से, राज दरबारियों से पूछा कि मैं किस देवता की पूजा करूं जो मेरा युद्ध में सहयोग कर सके। तब उन्होंने कहा कि आप भगवती माता चामुंडा की पूजा कीजिए। इसके बाद सियणदेव ने बचपन से ही माता चामुंडा को भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसके बाद चामुंडा माता ने सियणदेव को यह वरदान दिया कि तेरे जैसा वीर योद्धा, तेरे समान कोई भी इस भारत भूमि पर नहीं होगा। युद्ध के अंदर तेरा सामना कोई भी युद्ध नहीं कर सकेगा। भगवती से यह वरदान पाकर सियणदेव बहुत ही खुश हुए। तीसरा प्रश्न उठता है कि भूमिया महाराज की कितनी रानियां थी। भूमिया महाराज के पांच रानियां थी। उस समय दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी उस समय ऐसी कुप्रथा चला रहा था, जब किसी का विवाह होता था तो वह उसकी डोली अपने महल में बुलवा लेता था और उसके बाद जब उसका मन भर जाता तो वह औरत को वापस भेज देता था। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि हरदेव की रानी बहुत ही खूबसूरत है, तब उन्होंने उनकी पत्नी पद्मनी पर अपनी नजर डाली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सियणदेव को पत्र भेजा कि आप अपनी पत्नी को डोली मेरे महल में भिजवा दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। इसके बाद जब सियणदेव को यह पत्र मिला तो उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं किसी भी हिंदू लड़की को बादशाह के महल में नहीं भेजूंगा। इसके बाद सियणदेव के भाइयों ने उन्हें समझाया कि बादशाह की फौज के सामने हमारी टुकड़ी बहुत ही छोटी है, हम बादशाह का सामना नहीं कर सकते। तब भूमिया ने कहा कि मैं बादशाह से नहीं डरता, मैं अकेला ही उनको फौज का सामना करूंगा। इसके बाद उनके भाइयों ने कहा कि युद्ध करके हमें भी कुछ हासिल नहीं होगा, युद्ध में नरसंहार होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई, उन्होंने अपनी एक दासी को रानी बनाकर बादशाह के महल में भेज दिया और बादशाह के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद वह दासी बादशाह के साथ बेगम बनकर रहने लगी। समय बीतता गया और वह दासी गर्भवती हो गई। जब बच्चे के जन्म हुआ तब उस दासी को प्रसव की पीड़ा होने लगी। बादशाह ने हकीम को बुलवाया, वेद को बुलवाया, परंतु बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था। तब बादशाह की रानियों ने आकर उस दासी से पूछा कि सभी ने बहुत कोशिश की परंतु तुम्हारे बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा। तब उस दासी ने मुझे कोयलापाटन से सिर्फ कुंड का जल लाकर पिला दो, तब मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बात का पता बादशाह को चला तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को सिर्फ कुंड से जल लाने के लिए कोयलापाटन भेज दिया। जब बादशाह के सैनिक कोयलापाटन पहुंचे तो रात हो चुकी थी, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे, दरवाजों के सामने पहरेदार खड़े थे। जब उन सैनिकों ने उनसे सिर्फ कुंड का पानी मांगा तो उनमें से एक ने गंदी नाली का पानी भरकर दे दिया और कहा कि यह पानी सिर्फ कुंड से होकर ही आता है। और वह सैनिक वह पानी लेकर महल में पहुंच गए। वह पानी पीने के बाद सांकली रानी यानी दासी ठीक हो गई और अच्छे से उसके बच्चे का जन्म हो गया। जब उस दासी ने उस पात्र को देखा तो उसमें नीचे कीचड़ था। तब उसने उस सैनिक को बुलाया और पूछा कि तुम यहाँ पानी कहाँ से लेकर आए हो। तब उन सैनिकों ने कहा कि महल के बाहर जो पहरेदार थे उन्होंने हमें यह पानी दिया और कहा कि यह पानी शिव कुंड से आता है। यह बात सुनकर दासी बहुत ही उदास हुई और सोचने लगी कि यदि आज मैं उनकी बहन होती तो मेरे लिए भी रात को दरवाजे खोले जाते और शिव कुंड का पानी दिया जाता, क्योंकि शिव कुंड का पानी बहुत ही निर्मल और साफ था। उस दासी के गर्भ शहजादी का जन्म हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खुश हुआ और वह रानी से मिलने के लिए उसके कक्ष में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो वह दासी रो रही थी। जब बादशाह ने उसके रोने का कारण पूछा तो उस दासी ने सारी सच्चाई बादशाह को बता दी और कहा कि मैं कोई सांकला की रानी नहीं हूं, मैं एक दासी हूं। जब इस बात का पता बादशाह को चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उन्होंने कोयलापाटन पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उस बादशाह को उसकी बेटी ने कहा कि हमारे महल में अभी मेरे भाई का जन्म हुआ है और आप आक्रमण करने के लिए कह रहे हो, यह उचित नहीं है। आप कोयलापाटन पर आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि भूमिया को माता भगवती से वरदान मिला हुआ है कि
उन्हें कोई भी युद्ध पराजित नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी अपने एक सेनापति बद्रुद्दीन और अपनी बेटी को कोलापाटन भेज देता है और वहां जाकर सियरदेव से बातचीत करते हैं और वे कहते हैं कि आप दिल्ली में डोला भिजवा दीजिए। इस बात पर सियरदेव बिल्कुल ही मना कर देते हैं। इसके बाद वह सेनापति कहता है कि आप खुद चलकर बादशाह से बात कर लीजिए। जब भूमिया दिल्ली जाकर बादशाह से बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनसे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी रानियां बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे उनका चेहरा दिखा दीजिए। इस पर भूमिया ने कहा कि मैं अपनी रानियों की परछाई भी तुम्हें नहीं दिखने दूंगा। यह बात सुनकर बादशाह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह उससे कहता है कि तुम आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। भूमिया कोयलापाटन आ जाते हैं और वह सारी घटना अपने भाइयों को बताते हैं। सारी बातें सुनकर भाइयों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। जब उनके भाइयों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब भूमिया माता चामुंडा के मंदिर में जाकर पूजा करने लगे और अपना शीश काट कर माता के चरणों में रखने वाले थे कि इतने में चामुंडा माता प्रकट होती है और उन्होंने कहा कि सिंहदेव तुम चिंता मत करो, युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ भगवती ने उनसे कहा कि तुम अपना यह कटा हुआ शीश अपनी माता को दे दो और उनसे कहना कि इसे धरती पर ना रखें जब तक तुम युद्ध लड़कर वापस ना आ जाओ। जब सिंहदेव युद्ध के लिए जा रहे थे तब उनकी रानियों ने उनसे कहा कि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने जा रहे हो, हम पीछे रहकर क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ सती हो जाएंगे, इसलिए अपने हाथों से हमारा शीश भी कलम कर दीजिए। इसके बाद सिंहदेव ने अपने 5 रानियों के शीश काट दिए। यह सब देखकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी ने कहा कि मैंने भी अपने मन ही मन अपना पति मान लिया था और आप मेरा शीश भी काट दीजिए। सिंहदेव ने उसका भी शीश काट दिया। आज भी उन रानियों के खून के निशान महल पर बने हुए हैं। जब बादशाह ने कोयलापाटन पर आक्रमण किया तो सिंहदेव और उनके मित्र बद्रुद्दीन युद्ध के मैदान में पहुंच गए। जब बादशाह ने उन्हें बिना सिर के देखा तो कहा कि तुम मेरी सेना का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इस पर सिंहदेव ने कहा कि इस बात की चिंता तुम मत करो। इसके बाद सिंहदेव ने माता चामुंडा का आह्वान किया और कहा कि अब मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरा साथ दीजिए। इसके बाद माता चामुंडा ने सिंहदेव का साथ दिया और सिंहदेव ने बिना सिर के बादशाह भूमिया ने बिना सिर के बादशाह की सेना को तहस नहस कर दिया। यह देखकर बादशाह हैरान रह गया कि बिना सिर के सिंहदेव किस प्रकार उनकी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। जब बादशाह ने अपनी मौत को नजदीक देखा तो भागने लगा, परंतु भूमिया महाराज ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी दाढ़ी मूछ काट दी और कहा कि यह बता मैं तेरे साथ क्या करूं। इसके बाद बादशाह भूमिया महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगा और कहा कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी नगरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इसके बाद भूमिया महाराज ने उसे चूड़ियां पहनाकर चुनरी उड़ाकर वापस दिल्ली भेज दिया। इस युद्ध में भूमिया महाराज के मित्र बरहुद्दीन वीरगति को प्राप्त हो गए और आज भी उनकी समाधि कोलापाटन में बनी हुई है। हर वर्ष वहां पर मेला लगता है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आज भूमिया महाराज का रूड़ में बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है जहां पर बहुत विशाल मेला लगता है। यहां पर उनके सिर की पूजा की जाती है। रूड़ से 25 किलोमीटर दूर गोवा गांव में भूमिया महाराज की धड़ की पूजा की जाती है। आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।